चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास थोड़ा पहले है, वैसे तो रोज 4 बजे होती है, आज इसे पहले शेड्यूल हुआ है। ठीक है, तो हेलो एंड वेलकम टू एन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपका ये विमान बैच स्टार्ट हुआ है, ये आई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। आपको ये मिलेगा लीड गेट के चैनल पे, तो आप जो है एक बार जाके वहाँ पे चेक कर लीजिए। ठीक है, फ्री कोर्स है आपका, पूरा फ्री कोर्स है, विमान बैच लीड गेट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं, मेरे बारे में बात करते हैं। मोर देन 2 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, मेंटर मोर देन 2000 स्टूडेंट्स, क्रैक गेट एग्जामिनेशन 6 नंबर ऑफ टाइम, क्लियर वेरियस पीट्यूज। अभी एसी की बात करते हैं, तो टू टर्म्स एसी क्वालिफाइड हूँ। फिर यहाँ पे अन अकेडमी लर्निंग ऐप, प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करिए अन अकेडमी का लर्निंग ऐप, और जहाँ पे भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं वहीं से। टॉप एजुकेटर्स कुछ यहाँ पे दिए गए हैं आपको, ये सब आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आपके पास कोर्सेज के लिए ऑप्शंस होगा, आप किसी ब्रांच के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे मैकेनिकल हो, या किसी हो, CSIT हो, आपके पास वेरियस कोर्सेज ऑप्शंस होंगे, आप चूज कर सकते हैं उसमें से। आप चूज कर सकते हैं कि आपका टीचर कैसा होना चाहिए, कैसा हो, कौन हो। ठीक है, फिर यहाँ पे ये प्लस का दिया गया है, प्लस के लिए ये प्राइस दिया गया है, इसको मत पे करिएगा, इसकी जगह पे ये कोड डालिए, अब है S10, आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। और एसेस करने को मिलेगा आपको फ्री स्पेशल क्लासेस, कहीं भी आपको एक कोड मांगा जाए आप सिंपल एक कोड डालिए, अब है S10 का मतलब ही डिस्काउंट का। फिर आइकॉनिक की बात करें, आइकॉनिक की फीस है, ठीक है, इसमें भी कोड वैलिड है, अब है S10। रहते प्लस में, प्लस में इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, इंटरव्यू लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर कोर्सेस एंड PDFs मिलेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगे। आइकॉनिक में इसके साथ साथ पर्सनल कोच मिलेगा, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस मिलेगी, स्टडी प्लानर मिलेगा, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल मिलेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आइकॉनिक के लिए, आप बीटेक थर्ड ईयर में हो, आप चूज करिए 2 इयर्स वाला कोर्स आइकॉनिक का, और आपको ये हेल्पफुल होगा। ये हमने जो है ट्रांसमिशन लाइन का पैरामीटर्स कैसे आए थे, RLCG कैसे मिलेंगे हमें मिलेंगे, ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था पैरामीटर्स में। इसके बाद फिर हमने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि L प्रोपोर्शनल टू L भी होता है, प्रोपोर्शनल टू L के भी होता है, प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर भी होता है, लेकिन दोनों में कुछ चेंजेस होते हैं, जहाँ पे एरिया कांस्टेंट होगा वहाँ पे आप प्रोपोर्शनल L है, जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है वहाँ पे प्रोपोर्शनल L स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने आपको सब बताया यहाँ पे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में, तो वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया। फिर एसी रेजिस्टेंस, इसमें स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, ये सब हमने बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ट्रांसमिशन लाइन इंडक्टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है, इसका कुछ पार्ट हमें बचा हुआ है। हॉलो कंडक्टर में एल इंटरनल नहीं होता है, ये सब हर एक बात छोटी छोटी बात हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंक कितना लिंक करेगा, बंडल कंडक्टर के बारे में, यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक था, हमने ये बताया था आपको कि सॉलिड में स्किन इफेक्ट होता है, प्रॉब्लम होगी हमारे लिए। प्रॉक्सिमिटी फ्लेक्सिबिलिटी इसकी कम होती है, स्टैंडर्ड इसकी जगह पे यूज करते हैं आल एल्युमिनियम कंडक्टर, आल एल्युमिनियम अलॉय कंडक्टर, ये सब आप यूज करते हैं, सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी तो इंक्रीज कर जाती है, बस टेंसाइल स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है, उससे क्या होता है कि सैग हमारा बढ़ जाता है, सैग बढ़ जाएगा तो क्लियरेंस कम हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, टावर हाइट जो हमें इंक्रीज करना पड़ेगी, उससे कॉस्ट हमारा इंक्रीज कर जाएगा, ये नहीं कर सकते। फिर कंपोजिट ACSR में हम आते हैं, वहाँ स्ट्रेंथ तो इंक्रीज कर जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज कर जाती है। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कोरोना की, कोरोना इसमें ज्यादा होता है, उसको कम करने के लिए फिर हम यूज करते हैं बंडल कंडक्टर, जो कि हम पढ़ रहे थे उसमें कोरोना कम होता है। ये इतने से एक स्लाइड से आपके हर एक एग्जाम में मिनिमम एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको, अगर आप कोई एग्जाम देते हैं PSUs या ESE, तो इससे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे बस इतने से कॉन्सेप्ट से। मैंने बंडल कंडक्टर आपको समझा दिया था, सेल्फ GMD और म्यूचुअल GMD निकालना भी आपको बता दिया था यहाँ पे, ये होता है। फिर आज हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ बंडल कंडक्टर के, एडवांटेजेस बंडल कंडक्टर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये आज हम पहले पढ़ेंगे। पहले मैंने कल आपको बताया था बंडल्ड कंडक्टर में क्या होता है, पॉइंट्स फॉर्म में लिखूंगा,
यहाँ बंडल कंडक्टर में ई डिक्रीज कर जाता है, ई डिक्रीज करेगा तो क्या होगा आपका कोरोना क्या होगा, कोरोना डिक्रीज कर जाएगा। ये हमारा पहला एडवांटेज है। दूसरा ये है थिंग्स टी एम आर, इसी को ज्योमेट्रिक मीन रेडियस बोलते हैं या इसी को सेल्फ जीएमडी बोलते हैं, ठीक है आपको मैंने कल बताया था। जी एम आर इज इक्वल टू इसी को ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस बोलते हैं, इसी को सेल्फ जीएमडी भी बोलते हैं, सेल्फ जीएमडी भी इसी को बोलते हैं, ठीक है कंफ्यूज मत होइएगा। जीएमआर ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, जीएमआर इंक्रीज कर जाता है इन बंडल्ड कंडक्टर, बंडल कंडक्टर में जीएमआर इंक्रीज कर जाएगा तो एल इजिकल टू क्या होता है, एल इजिकल टू होता है न्यू नॉट अपॉन न्यू आर अपॉन टू पाई एल एन जीएमडी अपॉन जीएमआर। कल हम मैंने आपको बताया भी था कैसे इसको फाइंड करते हैं, ठीक है यहाँ से आप फाइंड करेंगे जब जीएमआर आपका इंक्रीज कर जाएगा, जब जीएमआर आपका इंक्रीज कर जाएगा तो एल क्या होगा, एल डिक्रीज कर जाएगा। इस पे बेस्ड हमने कल क्वेश्चन भी किए हैं अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे, आप एक बार अगर आपको चेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा आपका एक्सएल डिक्रीज कर जाएगा, एल डिक्रीज करेगा तो एक्सएल डिक्रीज करेगा, पावर ट्रांसफर कैपेसिटी ये क्या होता है, ये होता है स्टेडी स्टेट पावर यानी पी मैक्स जो हम पढ़ते हैं, पी मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये होता है वी एस वी आर अपॉन एक्सएल। जब आपका एक्सएल डिक्रीज करेगा, जब आपका एक्सएल डिक्रीज करेगा तो फिर क्या होगा, जब आपका एक्सएल डिक्रीज कर गया तो आपका पी मैक्स क्या होगा, ये इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यहां से आप बोलते हैं अगर ये पी मैक्स इंक्रीज कर जाएगा तो यहां से आप बोल सकते हैं स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, सिंपल बात। आल्सो आप जानते हैं आल्सो डेल्टा वी इजिकल टू क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप कितना आई एक्सएल, अगर एक्सएल डिक्रीज करेगा तो क्या वोल्टेज ड्रॉप भी डिक्रीज करेगा, यहां पे लिख दो वोल्टेज ड्रॉप ड्रॉप ऑन लाइन ऑन द ट्रांसमिशन लाइन, अब जो ऑन लाइन लाइन का मतलब क्या ट्रांसमिशन लाइन, ऑन द लाइन रिड्यूसेस, ठीक है बात। फिर आते हैं, अभी हमने सी को डिस्कस नहीं किया है, सी को हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहीं पे एक अगर जब कर रहे हैं तो इसको एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहाँ पे, वो ये है थर्ड पॉइंट, सी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है टू पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन एल एन डी जी एम डी अपॉन GMR, GMD upon GMR होता है। अब यहां से आप देखो, यहां से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, GMR अगर बढ़ जाएगा तो ये कम हो जाएगा, ये कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट से L और C से इतने ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं मिक्स करके कि आपको हर एक एग्जाम में मिल जाएंगे। यहां से क्या होगा, अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, पावर फैक्टर इम्प्रूव्स, ठीक है पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा। फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे देखो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, इसको हमने अब बताया नहीं है, बस इसके फॉर्मूले पे आपको दिखा देता हूँ। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग लोडिंग जेड एस इजिकल टू क्या होता है, ये होता है अंडर रूट ऑफ एल बाई सी, जेड एस इजिकल टू अंडर रूट एल बाई सी, वहां पे क्या होता है आपको आगे पढ़ेंगे, अभी फार्मूले पे आप ध्यान दो बस, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे एल क्या हो रहा था, एल डिक्रीज कर रहा था और सी क्या हो रहा था, सी इंक्रीज कर रहा था, इसकी वजह से क्या होगा जेड एस जो है डिक्रीज कर जाएगा,
यहाँ पे क्या लिखोगे? रिड्यूस्ड या रिड्यूसेस, जो भी आपको रिड्यूसेस, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर यहाँ पे सर्ज इंपीडेंस लोडिंग के बारे में बात करते हैं। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग सेंस, ये सॉरी ये लोडिंग नहीं, ये सर्ज इंपीडेंस था, सिर्फ मैं यहाँ पे गलत किया है, एक सेकंड में लोडिंग तो अभी आएगा। सर्ज इंपीडेंस, ये सर्ज इंपीडेंस था, लोडिंग के लिए आप लिखेंगे सर्ज इंपीडेंस लोडिंग फिजिकल कितना होगा, ये होता है वी एस स्क्वायर अपॉन जेड एस, वी एस स्क्वायर अपॉन जेड एस। अब यहाँ पे देखो आप, अगर जेड एस डिक्रीज करेगा, अगर जेड एस डिक्रीज कर गया तो क्या होगा, जेड एस अगर डिक्रीज करेगा तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग एस आई एल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, एस आई एल इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। अभी इसमें और कुछ पॉइंट है जो कि एग्जाम में एज इट इज आते हैं हमारे, क्या पॉइंट है, फिफ्थ उसमें लिखेंगे रेडियो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस अभी मैंने इसको पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन अभी जस्ट अभी इस बात यही पढ़ाना है, सर्ज इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन लाइन, कैसे, मैंने आपको कल बताया था करंट क्या होता है, करंट पर एक कंडक्टर पर कितना आई बाई एन हो जाता है या डिक्रीज कर जाता है, यहां से क्या होगा, ये अगर डिक्रीज करेगा तो फाइ क्या होगा, फाइ डिक्रीज करेगा, फाइ डिक्रीज करेगा, फाइ डिक्रीज करेगा तो ई क्या होगा, ई डिक्रीज करेगा, ई डिक्रीज करेगा तो जो करंट जो है इंड्यूस हो रही थी वो डिक्रीज करेगी, अगर करंट डिक्रीज करेगा आई डिक्रीज करेगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, करंट डिक्रीज करेगा, इससे क्या होगा, रेडियो इंटरफेरेंस क्या होगा हमारा, रिड्यूस करेगा। इसको मैं फिर से समझाता हूँ, देखो आई बाई एन ये करंट, टोटल करंट डिक्रीज हुआ तो फ्लक्स क्या होगा, ये भी डिक्रीज करेगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो ईएमएफ क्या होगा, क्योंकि ये ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी होता है, ठीक है। फाई डिक्रीज करेगा, ईएमएफ डिक्रीज करा, ईएमएफ डिक्रीज करेगा तो टोटल करंट डिक्रीज हो गई जिसकी वजह से इंटरफेरेंस हो रहा था, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट आते हैं, एक और है, एक एडवांटेज मैं और आपको बताता हूँ, इसी में कई एडवांटेज हैं आपको लिखे हुए एज इट इज क्वेश्चन आते हैं इनसे, ठीक है, आप जरूर इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, किसी भी एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बार जरूर देखें, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम में चाहे चाहे एसएससी जेई दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछता है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर required compared to single conductor will also reduces, ऐसे लिख लो, आपको समझ में आ गया होगा, जितना एक सिंगल कंडक्टर आप यूज कर रहे थे उसकी जगह में आप बंडल कंडक्टर यूज कर रहे हैं, तो जितना आपको उतनी जितने पावर ट्रांसमिट करने के लिए आपको सिंगल उसमें चाहिए, उससे आपको इसमें कम लगेगा बंडल कंडक्टर में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पीछे छूट गया था, वो था ACSR, एक्सपेंडेड ACSR, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेंडेड ACSR क्यों बोलते हैं इसको, इसमें ACSR में एक्सपेंडेड क्या हो गया, ठीक है। तो इसको देखिए, हमारा जो ACSR होता है उसमें जो है स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब
अगर उसी के बीच में कुछ और फिलअप कर दिया जाए, जैसे वन है, ठीक है, ये कंडक्टर्स हैं, ये था स्टील कोड का। इसको मैं डिफरेंशिएट करने के लिए दूसरे कलर पे कर देता हूँ, माना मैंने, ये है एल्युमिनियम कंडक्टर्स। इन कंडक्टर्स के बीच में हम कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल फिलअप कर देते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल फिलअप कर देते हैं, जैसे कि आपका ले लेते हैं, ठीक है, इसके बीच में कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल फिलअप कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ, इससे होता क्या है, जैसे ये फिलअप कर दिया पेपर, जैसे पेपर फिलअप कर सकते हैं, या इंसुलेटिंग मटेरियल कुछ कोई फिल कर दिया। इससे चेंज क्या आता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे बनते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। इंसुलेटिंग मटेरियल है, इससे कॉन्सेप्ट क्या आएगा, आता है इफेक्टिव रेडियस जो होगी, इसकी वजह से क्या होगा, इफेक्टिव रेडियस आर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। आर इंक्रीज कर जाएगा तो मैंने आपको बताया था ई इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर आर इंक्रीज कर जाएगा सरफेस पे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो क्या होगा, आर अगर इंक्रीज कर जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो क्या होगा, कोरोना क्या होगा, कोरोना रिड्यूसेस। तो आप याद करना, याद रखिएगा कि हमारा कोरोना किस कैसे कैसे रिड्यूस हो सकता है, या तो एक्सपेंडेड ACSR हम ले लें, या तो हम जो है बंडल कंडक्टर यूज करें, ठीक है। ये हमारा पीछे छूट गया था एक कॉन्सेप्ट, तो आपको ये मैंने यहाँ पे समझा दिया है। फिर यहाँ पे L इज इक्वल टू क्या होता है, L इज इक्वल टू होता है 2 × 10⁻⁷ ln d अपॉन 0.07788। आपको याद होगा ये हमने पढ़ा था R, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगर R बढ़ गया, R अगर बढ़ गया, R अगर आपका बढ़ गया तो L क्या होगा, L कम हो जाएगा, L कम हो जाएगा, ठीक है। L कम होगा तो फिर क्या होगा, अगर L कम हो गया तो XL कम हो जाएगा, XL कम हो जाएगा तो क्या आप लिखेंगे, सो दैट पावर ट्रांसफर कैपेसिटी पी मैक्स, इसी को क्या बोलते हैं, यही है आपका स्टेडी स्टेट पावर, स्टेडी स्टेट स्टेट पावर लिमिट। आप इसे स्टेबिलिटी में पढ़ेंगे आप, तो ये क्या करेगा, पी मैक्स क्या हो जाएगा, पी मैक्स इज इक्वल टू पी एस वी आर अपॉन एक्सएल। अगर एक्सएल रिड्यूस हो गया, अगर एक्सएल रिड्यूस होगा तो आप यहां समझिए, एक्सएल रिड्यूस हो गया तो पी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी पावर जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। सिंपल सी बात थी, एक्सपेंडेड ACSR हो गया। रेडियो इंटरफेरेंस की बात करते हैं, रेडियो इंटरफेरेंस ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझिएगा। देखिए जैसे तीन ट्रांसमिशन लाइन है, मैं आपको इसे समझाता हूँ, इसमें बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में। ये हमने माना ये लाइन्स है, पावर लाइन्स है, ये है पावर लाइन्स, इन्हीं के पैरेलल में अगर कनेक्ट कर दिया जाए, कम्युनिकेशन लाइन अगर उसी टावर पे है, कम्युनिकेशन लाइंस, देखो क्या होगा, ये कुछ करंट ले इसमें फ्लो हो रहा होगा, इनमें कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, मैंने माना आई आर, आई वाई, आई बी करंट इससे फ्लो हो रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा,
इसमें कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा वोल्टेजेस का, जिसकी वजह से क्या होगा, उन वोल्टेजेस के इंडक्शन की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगी, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और वो फ्लक्स जो है लिंक करेगा इन इन वाइंडिंग से, कम्युनिकेशन लाइन से। उस कम्युनिकेशन लाइन से क्या होगा, उस कम्युनिकेशन में लाइन में करंट अगर जा रहा था आई, तो उसमें करंट क्या, एक्स्ट्रा करंट आने लगेगी। एक्स्ट्रा करंट अगर आने लगेगी तो उससे क्या होगा, ये जो है डिस्टॉर्टेड होने लगेगी, ये कम्युनिकेशन लाइन में जो भी सिग्नल जा रहा होगा डिस्टॉर्टेड होने लगेगा, मतलब उसमें इंटरफेरेंस आने लगेगा। इसको मैं आपको समझाता हूँ। माना आई आर की वजह से फाई आर फ्लक्स जनरेट हुआ, आई वाई की वजह से फाई वाई जनरेट हुआ, आई बी की वजह से फाई बी फ्लक्स जनरेट हुआ। यहाँ पे देखो, ऑन कम्युनिकेशन लाइन लाइन एक रिजल्टेंट एक फ्लक्स बनेगा, इन तीनों फ्लक्स की वजह से इसमें एंटर करेगा, लिंक करेगा, वो कितना होगा, फाई आर प्लस फाई वाई प्लस फाई बी, ठीक है, रिजल्टेंट फ्लक्स होगा। ठीक है, रिजल्टेंट फ्लक्स ये होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इज इक्वल टू डी फाई आर अपॉन डी टी। फ्लक्स अगर चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट करेगा, इंड्यूस करेगा, इस ईएमएफ की वजह से क्या होगा, एक रिजल्टेंट करंट प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस या इंड्यूसेस, प्रोड्यूसेस ए करंट आई आर। अब ये टोटल करंट पहले आई था, तो अब रिजल्टेंट करंट आई टोटल कितना हो जाएगा, आई डिस्टॉर्टेड करंट कितना हो गया, डिस्टॉर्टेड करंट इन कम्युनिकेशन लाइन। ठीक है, कम्युनिकेशन लाइन में पहले अगर आई था तो अब कितना हो जाएगा, हो जाएगा आई प्लस आई आर। इस आई आर की वजह से क्या होगा, जो इसमें सिग्नल जा रहा होगा वो तो हो गया डिस्टॉर्टेड अब कम्युनिकेशन लाइन, ठीक है, या डिस्टॉर्टेड लाइन या डिस्टॉर्टेड करंट इसकी वजह से हो गया, ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस के फॉर्म में लिख देता हूं, इसको लैंग्वेज के फॉर्म में अगर आप लिख लें इसको, आपको इसको पीडीएफ मिल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है इसका। वो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको आप थोड़ा सा और वेट करेंगे, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे इंड्यूस होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दी वोल्टेज इज इंड्यूस्ड बिटवीन द कंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशन लाइन्स, दिस प्रोड्यूस ज्यादा लैंग्वेज जितना समझ में आ जाए उतना बहुत है। ठीक है, आपको अगर इसमें ग्रामेटिकल और ये सब आप ढूंढे बैठेंगे तो आप उसे छोड़िए, बस आपको इतना समझ में आ जाए लैंग्वेज, बस इतना ही बहुत है। डिस्टर्बेंस और इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस एक आ रहेगा टू द सिग्नल ऑन द कम्युनिकेशन लाइन या टेली कम्युनिकेशन लाइन। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आपको रेडियो इंटरफेरेंस, यही है आपका रेडियो इंटरफेरेंस। ड्यू टू ट्रांसमिशन लाइन
है, ये आपके कॉन्सेप्ट थे कुछ, ये हम आप डिस्कस कर चुके हैं। करंट की वजह से कुछ फ्लक्स जनरेट करेगा जो इससे लिंक करेगा, की वजह से कुछ रिजल्टेंट आएगा, करंट में डिस्टॉर्ट करने लगेगा, ठीक है, ये हमने देख लिया है। अब यहाँ पे हम इसके बारे में ट्रांसपोज्ड और अनट्रांसपोज्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे क्वेश्चन आता है, मैं आपको इसके बारे में एक चार्ट भी बनाऊंगा अभी अगर लास्ट में बचेगा। देखो, अगर पहला केस लिया, केस वन, पहले अनट्रांसपोज्ड लाइन, पहला अगर ट्रांसपोज लाइन ट्रांसपोज नहीं है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है अभी आपको बताता हूँ। जैसे दो कंडक्टर, दो को हम ले रहे हैं अभी, दो कंडक्टर हैं, कंडक्टर ए कंडक्टर बी, ये पावर कंडक्टर लाइन के लिए लाइन कंडक्टर है। फिर टेली कम्युनिकेशन दो कंडक्टर हैं उसके पहले में लगे हुए हैं, टी वन टी टू, ठीक है, और ये ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, हमने माना इसके बीच में जो डिस्टेंस है, जो स्मॉलर डिस्टेंस है वो है डी वन, और ये जो ये डिस्टेंस है ये है डी टू, ठीक है, बाकी ये भी डी टू होगा, ये भी डी वन होगा। अब यहाँ से आप लिखना चाहें तो डी वन है, क्वेश्चन में कई बार दे देता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे बोल देगा, डिस्टेंस डी टू है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्लक्स लिंकेज, मैंने आपको पहले फ्लक्स लिंकेज निकालना बताया था, फ्लक्स लिंकेज विद टी वन एंड टी टू कितना हो जाएगा, फाइव टी वन इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन टू पाई, आई ए करेंट इसमें फ्लो कर रहा है, आई ए एल एन वन अपॉन डी वन, टी वन में ए की वजह से वन अपॉन डी वन डिस्टेंस है, प्लस आई बी करेंट की वजह से कितना आएगा, आई बी एल एन वन अपॉन डी टू, ये तो फाइव टी वन हो गया, फाइव टी टू इजिकल टू न्यू नॉट अपॉन टू पाई आई ए वन अपॉन डी टू, प्लस इसके लिए क्या है डी टू ये हो जाएगा, ठीक है, आई प्लस आई बी एल एन वन अपॉन डी वन। नेट फ्लक्स कितना लिंक करेगा, नेट फ्लक्स दो में अपोजिट करंट जा रही है, ठीक है, दोनों में अपोजिट करंट जा रही है, तो इसमें फ्लक्स क्या होगा, फाइव टी वन माइनस फाइव टी टू हो जाएगा, फ्लक्स लिंकेज फाइव टी इज इक्वल टू फाइव टी वन माइनस फाइव टी टू। यहां से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा फाइव टी इज इक्वल टू लेमडा टी इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन टू पाई आई ए एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस आई बी एल एन टी वन अपॉन टी टू। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिला। फिर एट बैलेंस कंडीशन पे क्या हो, एट बैलेंस आई ए प्लस आई बी इजिकल टू क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ से क्या मिलेगा, आई बी इजिकल टू कितना मिलेगा, माइनस ऑफ आई ए, यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो लेमडा टी इजिकल टू आपको मिलेगा, लेमडा टी इजिकल टू न्यू नॉट आई ए अपॉन पाई एल एन टी टू अपॉन डी वन, लॉन्गर डिस्टेंस अपॉन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये मिल गया, फाइव टी मिला। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मैं यहीं पे इसको कंक्लूड कर देता हूँ, आपको नेक्स्ट पेज में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस होता है फ्लक्स लिंकेज, इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू फ्लक्स लिंकेज अपॉन करेंट फाइव ए फाइव टोटल अपॉन आई ए, फ्लक्स लिंकेज अपॉन करेंट, यहाँ से क्या मिलेगा, एल इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा न्यू नॉट अपॉन पाई एल एन टी टू अपॉन डी वन, इतना वोल्टेज इसमें, इतना फ्लक्स इसमें लिंक करेगा सेकेंड टेली कम्युनिकेशन लाइन में, ठीक है। अब वोल्टेज इंड्यूस कितना होगा, वोल्टेज इंड्यूस इन टेली कम्युनिकेशन इन टेली कम्युनिकेशन
लाइन v इज इक्वल टू कितना होगा, v इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, v इज इक्वल टू मिलेगा 2 पाई f l या वोल्टेज इंड्यूस इज इक्वल टू होगा I into X, यहां से आप वैल्यू पुट कर दो, V इज इक्वल टू 2 पाई F, L की वैल्यू क्या है, न्यू नॉट अपॉन पाई एल एन डी टू अपॉन डी वन इंटू आई। आप पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए चाहे तो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, या तो आप ऐसे लिख लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऐसे डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, V की डायरेक्ट मैं इक्वेशन पुट करता हूँ, V इज इक्वल टू मिलेगा आपको 2 न्यू नॉट एफ आई ए एल एन डी टू अपॉन डी वन। ये आ गया वोल्टेज, ये आ गया वोल्टेज, यहां से आप इसको याद रखिए, वोल्टेज की इक्वेशन है। और ये हाँ, जो हमारा एक इंडक्टेंस मिला है ये हेनरी पर मीटर में मिला है, याद रखना इसको, तुम्हारा जो वोल्टेज होगा तो वोल्टेज पर मीटर मिलेगा, ठीक है, याद रखना आपको वोल्टेज पर मीटर में मिलेगा, ठीक है। ये अनट्रांसपोज्ड लाइन थी, अब हमने इसको ट्रांसपोज्ड कर दिया, केस टू है, केस बी है ट्रांसपोज्ड लाइन, ट्रांसपोज्ड लाइन भी अगर ले लिया जाए, अगर लाइन को ट्रांसपोज कर दे मतलब कुछ रीजन के लिए अगर वाइंडिंग ऐसा है, अगर दो मैंने लिया है तो दो ही लेता हूँ, तीन नहीं दो लिया, उसके लिए ऐसा है, कुछ रीजन के लिए ऐसा हो जाए तो इससे क्या होगा, टोटल ओवरऑल कंपनसेट हो जाएगा। जैसे ये ए है, ये बी है, आई ए करेंट, आई बी करेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बी करेंट, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसमिशन जो हमारी वो टेलीकम्युनिकेशन लाइन है वो एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है, सेम वैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्लक्स लिंकेज की जब बात करेंगे तो टोटल करेंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसमें कैलकुलेशन पे नहीं जाते हैं, ठीक है, एट बैलेंस करके आप अगर फाई एवरेज इक्वल टू मिलेगा, इसमें फाई एवरेज इक्वल टू जीरो, यहाँ से एल इज इक्वल टू कितना मिलेगा जीरो, यहाँ से वोल्टेज कितना मिलेगा जीरो। तो अगर ट्रांसपोज्ड लाइन हो, लाइन अगर ट्रांसपोज्ड हो, अगर लाइन ट्रांसपोज्ड हो तो क्या होगा आपका, जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा था टेलीकम्युनिकेशन लाइन पे वो नहीं होगा, जो इंटरफेरेंस हो रहा था वो नहीं होगा, ट्रांसपोज्ड लाइन नो इंटरफेरेंस, रेडियो इंटरफेरेंस, ये इसका अगर आपको अगर वो चाहिए हो तो हम जो कन्वेंशनल कन्वेंशनल पढ़ेंगे ईएसी का तब उसमें हम पूरा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हमारे उतना अभी काम का है नहीं, आपको पता होना चाहिए, बस आपको पता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन, अभी तक हमने जो है सिंगल फेज पढ़ा है, अब थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में आते हैं। इसमें देखो आप दो कैटेगराइज करते हैं, अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन एक पार्ट करते हैं, एक है सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, दोनों का आइडिया यहां पे आपको हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन एक है, एक सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। अनसिमेट्रिकल में थ्री फेज कैसे कनेक्ट हो सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहला तरीका है कि आप कनेक्ट कर दें इसको हॉरिजॉन्टल में, या दूसरा है आप कनेक्ट कर दें इनको वर्टिकल में, ठीक है, आप कनेक्ट कर दें इनको वर्टिकल में। ये ए बी सी कंडक्टर है, ए बी सी कंडक्टर, इसमें डिस्टेंस अगर ले लिया जाए इसकी, आर ए बी आर बी सी
आर ए सी, ठीक है, ये हो गया, यहां से मिलेगा आर ए बी, आर बी सी, आर ए सी, ठीक है। अनसिमेट्रिकल का जीएमडी की बात करें इन दोनों केस में, जीएमडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीएमडी ज्योमेट्रिकल मीन जीएम आर नहीं जीएमडी, जीएमडी आपको कितना मिलेगा, जीएमडी से मिलेगा ऑफ ए, एक एक केस में देखो, एक एक केस में कितना हो जाएगा, ए का बी से आर ए बी, फिर आर बी आर ए सी, ठीक है, ये मिला, फिर यहां से जीएमडी जो है दूसरा कितना मिलेगा, बी का, बी का मिलेगा आर ए बी इंटू आर बी सी, ठीक है, जीएमडी यहाँ पे तीसरे का, बी का कितना मिलेगा, बी का मिलेगा आर ए सी आर बी सी, ठीक है, ये मिलेगा। यहां से आपको मिलेगा ये जो है तीनों क्या इक्वल है, तीनों में इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, जीएमडी तीनों का इक्वल नहीं है, आप चाहे चेक कर लीजिए, तीनों का इक्वल नहीं है, यहां से क्या मिलेगा, एल ए इज नॉट इक्वल टू एल बी इज नॉट इक्वल टू एल सी, ठीक है, यहां से क्या मिलेगा, एक्स ए जो होगा वो नॉट इक्वल टू एक्स बी इज नॉट इक्वल टू एक्स सी होगा, यहां से जो ड्रॉप होगा आई ए एक्स ए नॉट इक्वल टू, अगर सिस्टम बैलेंस हो तब भी आई बी एक्स बी जो करंट है नॉट इक्वल टू आई सी एक्स सी के बराबर होगा, क्योंकि कोई वो नहीं होगा, अगर सिस्टम बैलेंस है तब भी, एज्यूम मीन आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू जीरो, यानी बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, लेकिन हमारा जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होगा, रिसीविंग वोल्टेज वो क्या होगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज वोल्टेज अनबैलेंस्ड, यही इसका डिसएडवांटेज है, अनबैलेंस्ड होगा, अनबैलेंस्ड होगा, यही इसका डिसएडवांटेज है इस अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का। यहाँ पे सिस्टम तो बैलेंस था लेकिन हमारा जो रिसीविंग एंड वोल्टेज मिलेगा वो अनबैलेंस मिलेगा, ये है इसका डिसएडवांटेज। इसीलिए आप ध्यान देंगे कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वो जितना ज्यादा हाई वोल्टेज या जितना अच्छा होना चाहिए वो सिमेट्रिकल होता है। आप यहाँ पे देखो तीन लिए हमने, तीनों को इक्वी डिस्टेंस प्लेस कर दिया है, यहाँ पे कितना है, इसका है डी, ये भी है डी, ये भी है डी, ये ए, ये बी, ये सी, यहां से क्या मिलेगा, जीएमडी इसका ए का कितना मिलेगा, ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस कितना मिलेगा, डी इंटू डी, डी जीएमडी बी का, ये सेम आपको मिलेगा जीएमडी बी का, या मैं यहां पे लिखना चाहूं ना भी टाइम नहीं बचाना है, जीएमडी बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी टू डी डी जीएमडी, सी आपको कितना मिलेगा, सी का ये भी मिलेगा आपको डी डी बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, एल ए इक्वल टू एल बी इक्वल टू एल सी, ठीक है, ये मिला। अगर सिस्टम बैलेंस है तो क्या मिलेगा, अगर सिस्टम बैलेंस है तो क्या मिलेगा, अच्छा फाइव आर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, फ्लक्स जो रेडियो इंटरफेरेंस हो रहा है, फाइव आर टोटल में कितना, फाइव ए प्लस फाइव बी प्लस फाइव सी, ठीक है, फाइव ए प्लस फाइव बी प्लस फाइव सी, यहाँ से क्या मिलेगा, एल ए, आई ए करंट कितना है, आई ए को रेफरेंस मान लिया, प्लस एल बी, आई बी कितना होगा, माइनस 120 डिग्री होगा अगर बैलेंस्ड है, यहाँ केस माना बैलेंस करें,
ठीक है, प्लस आई एल सी, एल सी इज आई सी माइनस 240 डिग्री। जब आप इसे सॉल्व करेंगे एल ए एल बी एल सी अगर इक्वल है तो यहाँ से क्या मिलेगा, जीरो। यहाँ से मिलेगा फाइव आर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा, सिमेट्रिकल जब भी होगा, सिमेट्रिकल यहाँ पे क्या हो, एल ए एल बी एल सी बराबर नहीं हो रहे थे। इसका मतलब क्या है, फाइव आर फाइव जो होगा ये जीरो नहीं होगा टोटल में। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे रेडियो इंटरफेरेंस नहीं होगा, नो रेडियो इंटरफेरेंस। ये कॉन्सेप्ट था। यहीं से एक लाइन और यहाँ पे लिख सकते हैं, इंटरफेरेंस रेडियो इंटरफेरेंस नहीं होगा। एक लाइन यहाँ पे ये डाल सकते हैं कि बैलेंस्ड रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये आपको देगा बैलेंस वी गेट। इसको अगर ये बराबर है यहाँ पे आप चेक करो, यानी आई ए एक्स इज इक्वल टू आई बी एक्स बी इज इक्वल टू आई सी एक्स सी, इसके लिए होगा तो रिसीविंग एंड वोल्टेज जो होगा ड्रॉप इसमें बराबर होगा, तो रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या होगा, वो आपके तीनों में बराबर होगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है एसी में आया हुआ है, वो ऐसा था कि विंड जब होगी, कॉन्सेप्ट में बताता हूँ आपको, विंड जो होगी उसी की वजह से कंडक्टर जो है ऑसिलेट करेंगे। ऑसिलेटिंग इसकी वजह से क्या होगा, इसी को कंडक्टर जो स्टार्ट कर देते हैं ऑसिलेटिंग, इसको बोलते हैं गैलोपिंग। याद रखना इस वर्ड को, गैलोपिंग बोलते हैं इसी को, या बोल लो डांसिंग ऑफ कंडक्टर्स, डांसिंग ऑफ कंडक्टर्स बोलते हैं। मतलब जब विंड चलेगी कंडक्टर वाइब्रेट करने लगते हैं, तो ये क्या करेगा, कैन डैमेज ट्रांसमिशन लाइन। लाइन पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है, इसी की वजह ये सबसे ज्यादा किसमें होगा, ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा ये किसमें होगा, मोर इन वर्टिकल कॉन्फिगरेशन। सबसे ज्यादा किसमें होता है, वर्टिकल कॉन्फिगरेशन में होता है। क्यों होता है, यहाँ पे देखो आप, ये हॉरिजॉन्टल है, इसमें अगर ये एयर के पैरेलल में रहेगा, इसमें क्या है एयर के वर्टिकल में रहेगा, तो इसमें ज्यादा एयर का स्ट्राइकिंग एरिया मिल जाएगा, इसमें कम मिलेगा। इस वजह से क्या होता है, इसमें ज्यादा वाइब्रेशन होते हैं। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल कॉन्फिगरेशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे फिर यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे एक तो ये हो गया। अब इससे बचने का तरीका क्या है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस क्या यूज करते हैं, डैम्पर्स यूज करते हैं। डैम्पर्स आर यूज्ड, डैम्पर्स यूज करते हैं। देखो जैसे ट्रांसमिशन लाइन हमारा जहां से स्टार्ट करती है टावर के पास से, अगर ये वायर है तो आप नोटिस करेंगे कि अगर आप कभी जा रहे हो, इस बार जाइए कहीं तो देखेगा ट्रांसमिशन लाइन के पास में एक ऐसा कनेक्टर, ऐसा कुछ कनेक्ट होता है इस टाइप का, यही होता है आपका क्या, डैम्पर्स, यही है डैम्पर्स आपके ट्रांसमिशन लाइन। ये दोनों एंड पे, वायर के दोनों एंड पे लगे रहते हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में, दोनों में लगा, दोनों साइड में लगा होता है, इसी को बोलते हैं डैम्पर्स। किससे बचाने के लिए होता है, ये बचाने के लिए लगा रहता है आपके गैलोपिंग से या ऑसिलेशन से। ये ठीक है, ये कुछ बात थी। अब यहाँ पे एसिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन अगर लिया जाए, आप समझिए इसको,
एसिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन ले लिया जाए, मतलब और अनट्रांसपोज्ड हो, वो भी अनट्रांसपोज्ड, अनट्रांसपोज्ड हो तो क्या होगा, कैपेसिटेंस है ये ट्रांसमिशन लाइन, आर वाई सी, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन, इसमें आई आर, आई वाई, आई बी, अब समझने की कोशिश करिएगा, ये ग्राउंड है, अर्थ है, देखो इससे रिलेटेड जो है ईएसई में क्वेश्चन आया है, यहां पे इसकी वजह से कुछ फ्लक्स लिंक कर रहा होगा, वो इससे कुछ लिंक करेगा, कुछ लिंक करेगा इस नीचे वाले से वाई बी कंडक्टर से, ये फ्लक्स लिंक करेगा जो कि आईआर का इससे निकलेगा, फिर इससे जो बी से निकलेगा करंट वो भी इससे लिंक कर रहा होगा वाई से, अब वो लिंक कर रहा होगा इससे, तो टोटल जो इंडक्ट और इसका खुद का जो होगा, जो खुद का होगा वो भी इसी में होगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज किससे हो रहा है, वो मिडिल कंडक्टर से हो रहा है, बीच वाले कंडक्टर से हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, मिडिल कंडक्टर एक्सपीरियंस मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज, ठीक है, यहाँ पे मैंने समझाया आपको, पहला पॉइंट देखना, मिडिल कंडक्टर, कंडक्टर एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज, अगर मिडिल में फ्लक्स लिंकेज सबसे ज्यादा होगा, मिडिल वाले कंडक्टर में फ्लक्स लिंकेज सबसे ज्यादा होगा तो क्या होगा, एल वाई अगर इंक्रीज करेगा, वाई का ज्यादा है तो क्या होगा, एक्सएल, एक्स एल वाई मतलब ये इंक्रीज करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो अपोजिशन होगा वो करंट जो होगा टोटल करंट आई वाई में वो कम हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, अनसिमेट्रिकल का इफेक्ट आएगा, अनसिमेट्रिकल अगर आई वाई जो है कम हो गया आई आर आई बी से तो कौन सा केस हो गया, अनसिमेट्रिकल केस हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया, उस केस में क्या होगा, आई आर इज इक्वल टू प्लस आई वाई प्लस आई बी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, अनबैलेंस का मतलब भी हुआ आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, अब दूसरी बात देखो, ये अर्थ है, ये परफेक्ट कंडक्टर की तरह होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर जो लोअर कंडक्टर है उसमें कुछ चार्ज होगा, उसमें कुछ चार्ज होगा, ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इफेक्ट था, तो इसको चाहे तो आप लिख लो, मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख दूँ, चलिए बाद में लिख देंगे, फिर यहाँ पे देखो जो लोअर कंडक्टर होगा वो उसमें और ग्राउंड में सबसे कम डिस्टेंस होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो लोअर कंडक्टर होगा उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक का इफेक्ट आएगा, जहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, कैपेसिटेंस फॉर्म होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का इफेक्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पे आप लिखो जो सबसे नीचे वाला कंडक्टर उसकी जितना डिस्टेंस ऊपर करते जाओगे उतना क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट कम होता जाएगा, तो यहाँ पे आपको लिखते हैं लोवेस्ट कंडक्टर लोवेस्ट कंडक्टर नियरर टू ग्राउंड एक्सपीरियंसिंग मैक्सिमम मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्ट्रेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्ट्रेस, सो दैट अनबैलेंस्ड इन द वोल्टेज, ठीक है, इसमें इसकी वजह से अनबैलेंस करंट में आया था, इसकी वजह से अनबैलेंस किस में आएगा, वोल्टेज में आएगा, वी आर प्लस वी वाई प्लस वी बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, अनबैलेंस इन वोल्टेज अकर्स, ठीक है, ये फॉर्म होगा, आपको समझ में आएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट था और ये पहला वाला किसकी वजह से था,
ये वाला इफेक्ट था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इफेक्ट। इससे पहले मैंने आपको बताया था इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि आपका रेडियो इंटरफेरेंस होने लगता है। मैंने आपको ये पहले ही इससे पहले रेडियो इंटरफेरेंस में समझाया। टू इलिमिनेट, अगर इसको इलिमिनेट करना है, इन इफेक्ट को इलिमिनेट करना है तो क्या लिखेंगे, टू इलिमिनेट दीज इफेक्ट। क्या करना चाहिए हमें, अगर इन इफेक्ट्स को कम करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लाइन को ट्रांसपोज करने देना चाहिए। हमारा एसिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन है, लेकिन उसको अगर ट्रांसपोज कर दो आप, तो आपको जो इफेक्ट ये रेडियो इंटरफेरेंस वाला आ रहा था, ये दोनों इफेक्ट की वजह से आ रहा था, वो आपका कम हो जाएगा, यानी ट्रांसपोज लाइन हमें होनी चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा स्पेस हमें और चाहिए, अगर ये मिल जाए तो फिर हम इसको कर देंगे, लेकिन इतनी स्पेस है नहीं, तो हम क्या करते हैं एक स्लाइड और ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे करो, अनट्रांसपोज लाइन। ठीक है, अब इसी को अगर ट्रांसपोज किया जाए, इसी लाइन को ट्रांसपोज किया जाए तो कैसे दिखेगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से हम इसको लाइन को ट्रांसपोज करेंगे, इसमें से करंट आई आर जा रही होगी, आई वाई आई बी करंट, यहाँ पे आई आर आई वाई आई बी। आपको समझ में आ गया हो क्या कि जब एक करंट जो है या मतलब ये कंडक्टर जो है एक मतलब सेम रहेंगे ही नहीं। अब जैसे यहाँ पे सबसे नजदीक आई बी है, बी वाला कंडक्टर है, यहाँ पे आई वाई हो गया, यहाँ पे आई आर हो गया, तो इस तरीके से क्या होगा, जो हमारे इफेक्ट आ रहे थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा इफेक्ट आ रहा था कुछ लेंथ पे, इस पे बढ़ेगा, कुछ इसमें बढ़ेगा, कुछ इसमें बढ़ेगा, इस तरीके से आपका ये होगा। यहाँ पे डी वन है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये है डी वन डिस्टेंस, तो थोड़ा दूसरे पेन से लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि तो इसी पे हमें एक कैलकुलेशन भी आपको बताना है। ये है डी वन डिस्टेंस, ठीक है, ये है डी टू, ये है डी थ्री, डी वन डी टू डी थ्री। इसी तरह से ये सर्कुलेट है, टोटल लेंथ अगर एल थी, हमने किसको इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, एल बाई थ्री, एल बाई थ्री, एल बाई थ्री में। ठीक है, फ्लक्स लिंकेज अगर बात करें फाई आर वन, देखो यहाँ पे समझाई देता हूँ, फाई आर वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इस समय यहाँ पे आर वन यहाँ पे लेंगे, फाई आर वन इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन टू पाई, ये करेंट आई आर, आई आर एल एन वन अपॉन आर ए डैश, अरे डैश इसका होगा प्लस आई वाई एल एन वन अपॉन डी वन टू डी वन प्लस आई बी एल एन वन अपॉन कितना डी थ्री। ठीक है, इस तरीके से आई आर टू यहाँ पे देखेंगे इस वाले केस पे, यहाँ पे देखो कि कितना मिलेगा, न्यू नॉट अपॉन टू पाई आई आर
ln 1 अपॉन आर ए डैश, ठीक है, मैंने आपको ये फाइंड करने को बताया है, सिंपल वही पुट कर दें जाओ, ln कितना हो जाएगा y वाला 1 अपॉन डी टू प्लस आई सी या आई वाई ln 1 अपॉन कितना हो जाएगा आई वाई आई बी कितना हो जाएगा सॉरी ये बी है, बी कितना हो जाएगा बी है डी वन, ठीक है 1 अपॉन डी वन। इस तरीके से आप सिमिलरली आप थर्ड वाला लिमडा आर टू आर थ्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा न्यू नॉट अपॉन टू पाई आई आर एल एन वन अपॉन कितना आर ए डैश, यहाँ पे देखो फिर यहाँ से आई वाई कितना हो जाएगा आई वाई इज इक्वल टू एल एन वन अपॉन डी थ्री प्लस आई सी आई बी एल एन वन अपॉन कितना हो जाएगा डी टू। इसे आप सॉल्व करो, इसे यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, लेमडा आर थ्री हो गया, लेमडा एवरेज इक्वल टू क्या मिलेगा लेमडा एवरेज इक्वल टू लेमडा आर वन प्लस लेमडा आर टू प्लस लेमडा आर थ्री अपॉन थ्री। और दूसरा केस क्या मिलेगा एड बैलेंस, अगर बैलेंस है सिस्टम एड बैलेंस आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, सब सॉल्व करोगे, आपको मिलेगा एल एल आर ये हो जाएगा लेमडा एवरेज अपॉन आई आर इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन टू पाई एल एन डी वन डी टू डी थ्री अपॉन आर ए डैश आर बी डैश आर सी डैश। इसको बी डैश कर दो यहाँ पे इस रीजन के लिए आर सी डैश, ये तीनों एक ही हैं, एक ही मटेरियल से हैं तो बाद में इक्वल हो जाएंगे। ये वन अपॉन थ्री हेनरी पर मीटर पर फेज, हेनरी पर मीटर पर फेज ये लेमडा आर मिल गया। इफ यहाँ पे हो जाए इफ आर ए इज डैश इज इक्वल टू आर बी डैश इजकल टू आर सी डैश इक्वल टू आर जो मोस्ट ऑफ द केस में मिलेगा हमें एल आर इजकल टू आपको मिलेगा न्यू नॉट अपॉन टू पाई ln d12 d1 d2 d3 1 upon 3 on r dash। एक तो ये मिलेगा और दूसरा केस ये बनेगा इफ सिमेट्रिकल होगा d1 is equal to d2 is equal to d3 equal to d यानी हो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हो, अगर सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हो तब क्या होगा हेनरी पर मीटर है याद रखना। यहाँ पे मिलेगा एल आर इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन टू पाई एल एन डी अपॉन आर डैश, ये किस में होगा हेनरी पर मीटर में होगा। इस तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया है कौन कौन से केस बन सकते हैं इसमें थ्री फेज में, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें जितना भी है थ्री फेज का भी हो गया कवर हो गया, इंडक्टेंस हो गया, इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है वो हम जो है ऐप में सॉल्व करते हैं। आज ऐप में क्लास है नहीं आपकी, कैपेसिटेंस बचता है और कंडक्टेंस बचता है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। हमें आज तो परफॉर्मेंस स्टार्ट करना था, वो आपने दिख भी रहा होगा थंबनेल में परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन परफॉर्मेंस हम जो है कर नहीं पाए क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा एक दिन जो है कुछ क्लास जो है हो नहीं पाई थी सही से, तो जैसे छूट गया है। कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस दो पैरामीटर्स और बचे, हार्डली इसे 30 मिनट्स और लगेगा इसमें या 20 मिनट्स में हो जाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर पे ही हम परफॉर्मेंस भी स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो है कल 4 बजे 4 PM पे मिलेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। आज थोड़ा क्लास पहले हो गई क्योंकि ये जो है आज मैकेनिकल का रिजल्ट आने वाला है, तो उस वजह से उसमें कुछ जो है शेड्यूल में वो था। परफॉर्मेंस हो गया ये ट्रांसमिशन लाइन का, ये जो है हम पढ़ेंगे साथ में, और उसके साथ साथ कैपेसिटेंस और एंड कंडक्टेंस इसको हम समझेंगे। कंडक्टेंस जो है एग्जैक्टली इसके बारे में इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कंडक्टेंस के बारे में, इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से होता है, कैसे जनरेट करता है कंडक्टेंस, कैसे आता है हमारे फ्यूचर में, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप जो है लीड गेट को सब्सक्राइब कर लीजिए,
यूट्यूब में, और वहाँ पे हमारे लेक्चर्स मिलेंगे, जितने भी लेक्चर होंगे वो वहाँ पे मिलेंगे आपको। लीड गेट है, ठीक है, लीड गेट को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम में लीड गेट है टेलीग्राम में, और आप ये एक है चैनल गेट मंत्रा, गेट मंत्रा इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक चैनल है, वहां पे आप अगर उसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें, गेट मंत्रा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आप उसे अगर ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम में, तो आपको वहां पे आप किसी भी सब्जेक्ट के इलेक्ट्रिकल किसी भी सब्जेक्ट में आप कोई भी डाउट हो, और उसके साथ साथ ये जो हम पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, कोई भी ए टू जेड कोई भी आपको प्रॉब्लम उस सब्जेक्ट से हो, अगर कोई डाउट आ रहा हो या कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप उसको जो है वहां पे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। गेट मंत्रा इलेक्ट्रिकल, गेट मंत्रा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स करके है नाम है उसका, अभी नया ही है, ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे उसमें, तो आप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको जो है किसी भी सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिकल किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेरा सब्जेक्ट हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, या कोई और भी सब्जेक्ट हो, या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, या कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको वहां से आंसर करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। और बाकी जो है लीड गेट यूट्यूब चैनल पे है, इस पे हमारे लेक्चर्स आते हैं जो भी हैं, और लीड गेट के टेलीग्राम चैनल पे, और या गेट मंत्रा जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें लिंक्स मिल जाएंगे आपको लेक्चर्स के। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, ना ख्याल रखिए, और नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं जो कि है कल 4 बजे। ठीक है, कल 4 PM।